नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। आज मुजफ्फरपुर के गोबरसही के डुमरी में स्टार मिशन स्कूल में रेनू फाउंडेशन के द्वारा समाज के गरीब बच्चों के बीच में स्टेशनरी बांटी गई। मुख्य उद्देश्य है समाज के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा में जोड़ना। रेनू फाउंडेशन और दीनदयाल सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य है समाज के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षित बनाना। जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको शिक्षा से जोड़कर उनकी आर्थिक और संस्कार वृद्धि करना, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज का विकास नहीं होगा। ये सोच है दीनदयाल सेवा समिति की। रेनू फाउंडेशन मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी रविंदर जी ने अपनी पत्नी के नाम पे रेनू फाउंडेशन बनाया है और इनका उद्देश्य सामाजिक काम करना, समाज में गरीबों का उत्थान हो, समाज के हर वर्ग का विकास हो, इसी सोच के साथ रेनू फाउंडेशन का निर्माण किया गया है। रेनू फाउंडेशन और दीनदयाल सेवा समिति के द्वारा आज बच्चों के बीच में पठन पाठन का जो सामग्री बांटा गया उसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, कुरहनी के नवनिर्वाचित विधायक केदार गुप्ता, बोचहा की पूर्व विधायिका बेबी कुमारी, मनोज वत्स, राकेश साहिब, रघुनंदन बाबू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सभी लोगों ने एक साथ कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है और दीनदयाल सेवा समिति और रेनू फाउंडेशन मिलकर समाज के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षित बनाएं, यही मुख्य उद्देश्य है। ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें बच्चों को पाठ्य सामग्री दी जा रही है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनसे भारत का भविष्य तय होने वाला है। आगे आने वाले दिनों में यही बच्चे आगे बढ़ेंगे, यही हम लोगों के सपनों को पूरा करने वाले होंगे। उनको सब लोगों को पाठ्य सामग्री देते हुए हमारे अध्यक्ष जी श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, श्रीमती बेबी कुमारी जी को ले लिया जाए। सबको मिलेगा, काफ़ी आया हुआ है, सब बच्चे को मिलेगा। देते जाइए, मानिया बेबी जी को दीजिए, वहाँ बच्चे हैं अभी। अब आग्रह होगा कि वही बगल में डॉक्टर विजेश बैठे हुए हैं, हम लोगों पे काफ़ी चर्चित सब लोग स्वागत करेंगे ताली बजाकर। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री लोकप्रिय यहाँ की बेबी कुमारी जी को हम लोग लोकप्रिय और एक तरह से पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के जीव रचनाकार सम्मानित किया जाएगा। हेलो लोकप्रिय विधायक ऋतुराज जी आ जाएं, एक बार तो सुनवा दी। अच्छा बैठे, अब हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर उनको हम लोग सम्मानित करें। उनके बगल में ही श्री राजेश साहिब जी बैठे हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाए। इधर श्री अमित विक्रम जी पत्रकार नहीं हैं लेकिन हम लोगों के छोटे भाई हैं, हम लोग बहुत उनको स्नेह करते हैं, इसलिए अमित विक्रम जी को भी सम्मानित। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय रेणु देवी का जन्म 26 जून 1962 को हुआ था, लेकिन कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते हुए आज ही के दिन 2015 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
और उसी के अवसर पर रेणु फाउंडेशन के तत्वाधान में आपका ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, पुराने के नव निर्वाचित विधायक श्री केदार गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री बेबी कुमारी जी और अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण माल्या।